एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी नहीं, थोड़ी सी ठंड लग गई है मुझे, अब फील हो रहा है क्योंकि 2-3 दिन से ठंड बहुत ज्यादा इधर हो रही है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा किसके किसके साइड ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। मेरे साइड बहुत ज्यादा हो रही है, 4-5 दिन से ठंड। और अभी इवनिंग का चाय पी रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ठंड, मतलब सिर में दर्द हो रहा था तो मैं अदरक वाली भी चाय बनाई हूँ थोड़ी सी, तो चाय पी रही हूँ। और यहाँ पे खाना की भी तैयारी हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं थोड़ी सी हरी मिर्च, लहसुन और प्याज कट गई हूँ और एक बिहार का फेमस डिश यहाँ से बनाने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फुल सीन कीजिएगा। और मैं इसका रेसिपी नहीं शेयर करने वाली हूँ क्योंकि रेसिपी में मेरा कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं जाता है। मैं इतना मेहनत करके रेसिपी तैयार करती हूँ, उसके बाद 50 व्यूज, 60 व्यूज, तो मतलब दिल छोटा हो जाता है अगर मेहनत इतना करो ना और कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं जाता है तो मन नहीं करता है। तो इसलिए मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बट बहुत यूनिक और टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग कंटिन्यू कीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा। तो पहले तो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। ओके गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली मेरा बन गया है जो मैं बना रही थी। तो क्या है ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ये है दाल दुल्हन, दाल का दुल्हन है। और मतलब हमारे यहाँ दाल का पिट्ठा बोला जाता है। तो मैं कसम से शादी के बाद फर्स्ट टाइम बनाई हूँ और बहुत पहले खाई थी और मुझे अचानक से आज मन कर दिया, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा ट्राई करके देखती हूँ। तो देखो अभी दाल वाइल हो रहा है और इस तरीके से आटा का बना बना के प्लेट पे रख रही हूँ और इसमें मतलब पका रही हूँ, सिझा रही हूँ। तो देखती हूँ खाने के बाद कैसा लगता है और बच्चे को कैसा लगता है। मेन टेंशन है हमारे बच्चे को कि खाएंगे कि नहीं खाएंगे। सौम्या सुनो, तो सौम्या देने जा रही है अपने दादू को, पता नहीं दे दादू को क्या है। दाल दुल्हन, दाल की दुल्हन, दाल के शादी होकर आया है। कौन? ये दाल की दुल्हन आई है, दाल के शादी हुआ है। ठीक से गिराना नहीं दे आएगी। हाँ। गिराओगी नहीं ना? क्या मस्त वाला है, क्या है, क्या मस्त वाला है। खोखन सिंह बोल रहे हैं क्या मस्त वाला है। फाइनली देख सकते हैं मैं अपना खाना लेकर आ गई हूँ, ये दाल दुल्हन। और जैसे कि आप लोग को बता दूं, सब लोग को इतना मजा आया, मैं तो डर रही थी कसम से कि पता नहीं बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चे तो जो हरकत की है मत ही पूछिए, इतना अच्छे से इतना प्रेम से खाया मांग मांग कर। लास्ट में मतलब मेरे लिए कम पड़ गया था तो मैं दाल में पानी डाल के और अपना सिझा ली, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब बच्चे पेट भर के खाना खा ले ना तो मजा आ जाता है। मुझे ऐसा लग रहा था मैं बना रही हूँ पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा। तो ये चीज कौन कौन खाए हैं आप लोग कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा। सच में बहुत ज्यादा जबरदस्त, मैं तो अभी खाई नहीं हूँ, गर्म है थोड़ी सी। बहुत टेस्टी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, फुल रेसिपी तो नहीं शेयर की हूँ बट कोशिश कीजिएगा बनाने का, बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे को भी बहुत पसंद आएंगे। इस तरीके से बहुत अच्छा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे की मस्ती, दोनों मस्ती कर रहे थे तो मैं थोड़ी सी सूट कर ली। इन लोग सोने के पहले थोड़ा सा मस्ती कर रहा था तो मैं सोची सूट कर लेती हूँ थोड़ी सी। और यहाँ पे हो रहा था नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जैसे कि मैं नाइट में आप लोग से मिली थी उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं मिली। बहुत लोग का कमेंट आता है कि दी आप मॉर्निंग रूटीन शूट नहीं करती हैं, तो मैं सोची थोड़ी सी मॉर्निंग रूटीन भी शूट करती हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं भून रही हूँ बैंगन और टमाटर गैस चूल्हे पे, और साथ के साथ मैं गर्मा गर्म छील रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मुझे होता है ऑफिस जाना। तो आप लोग को पता है कि मॉर्निंग मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है मॉर्निंग, मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है मुझे। फिर भी मैं आप लोग के कहने पर
सूट कर रही हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग में सौम्या मेरा पैर छूती है उठ के, शौर्य चिन्ह भी छूटते हैं तो वही छू रही है, और उसके बाद वो किस करती है। तो मैं मॉर्निंग में कोई सब्जी नहीं बना रही थी, बैंगन के भरते बनाई थी और ओनली रोटी बनाई थी, तो मैं वही आप लोग से सूट की हूँ। और आप लोग के कहने पर ये सूट की हूँ मैं। बहुत आप लोग का कमेंट होता है कि आप बताती नहीं हैं मॉर्निंग रूटीन, तो मॉर्निंग रूटीन यही होता है हमारा। सबसे पहले तो मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद खाने में लग जाती हूँ, और जैसे कि खाने में लगने के बाद बहुत काम हो जाता है, काम करते करते हो जाता है ऑफिस का टाइम, हमें ऑफिस निकलना होता है। तो आप ये देख सकते हो मैं फटाफट भरते बनाने के बाद बनाने लगी रोटी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद मैं आ गई, यहाँ पे ब्रश कर रही थी और बच्चे से बोल भी कुछ रही थी, और बच्चे से बोलते बोलते मैं ब्रश कर उन लोगों को पढ़ने के लिए बोल रही थी। हाँ, मुझे याद आ गई। और यहाँ पे मेरा लिप्स पूरा कट गया है, पता नहीं जब भी खाना खाती हूँ ना तो लिप्स दांत से पकड़ा जाता है, तो एक बहुत मतलब बड़ा सा गोल सा बटन सा निकल गया है, वो बार बार मुझे मतलब दिक्कत कर रही है। बार बार मतलब खाना खाती हूँ ना तो वो पकड़ा जाती है, तो मैं वही आप लोग से दिखा रही थी। और उसके बाद आ गई मैं फाइनली अपने रूम में, और रूम में कर रही थी मैं ब्लैंकेट फोल्ड, और उसके बाद मैं की बेड से ही। तो देख सकते हो हमारा मॉर्निंग कैसा मॉर्निंग है, और मुझे वीडियो सेकेंड टाइम एडिटिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार की तो कॉपीराइट लग गया, पता नहीं किस वजह से मैं कुछ टोन ऐड कर दी थी, इस वजह से शायद कॉपीराइट लग गया, तो मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो आप लोग सोचते हो ना कितना इजी होता है वीडियो बनाया और डाल दिया, बट ऐसा नहीं होता है। वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, हमें एक जॉब के जैसा इसमें भी मेहनत करना पड़ता है। बहुत मेहनत करने के बाद थोड़े से व्यूज आते हैं, और देख सकते हैं जैसे कि झटाझट मैं फटाफट, सॉरी झटाझट बोल रही हूँ, फटाफट मैं झाड़ू लगाने लगी यहाँ पे। और बस झाड़ू लगाने के बाद मैं आ जाऊंगी अब नहा कर, तो नहा कर यहाँ पे फाइनली। तो गाइज इस सर्दी में नहाना सबसे ज़्यादा महा टफ चीज़ है, सर्दी में नहाना। फिर भी मैं मतलब मम्मी गुस्सा भी कर रही थी कि ठंड लग गई है तो नहाया मत करो, फिर भी पता नहीं मुझे मन ही नहीं भरता है कि मैं बिना नहाए हुए ऑफिस चली जाऊं। मात्र इतनी ठंड में एक दिन नहीं नहाई थी तो बहुत अजीब सा फील होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, हैबिट हो गया है नहाने का, तो ऐसे लगता है बॉडी में खुजली हो रही है नहीं नहाई हूं। तो मैं कोशिश करती हूं कि नहा कर ही ऑफिस जाऊं। तो फटाफट यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगाई, और थोड़ा सा मैं आयुर का क्रीम लगाती हूँ, कोल्ड क्रीम, बस इसके अलावा मेरा कोई मेकअप नहीं होता है। और फटाफट दूसरे रूम में आ गई, और यहाँ पे मैं कंघी करने लगी, मेरे साथ पता नहीं सौम्या भी कुछ कर रही थी, और आप लोग से बातें भी कर रही हूँ, बट ब्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, मैं सोची कि आप लोग को शॉर्ट ब्लॉग देती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा दी, इस वजह से मुझे ओवर वॉइस करना पड़ रहा है। तो गाइज आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा, कितना भाग दौड़ वाली रूटीन है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बस वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा आप लोग का हेल्प का मुझे ज़रूरत है, तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए। आप लोग बोलते हैं ना कि दी आपका हेल्प करना चाहते हैं, तो इसी थ्रू से हेल्प कीजिए कि मेरा वीडियो देखिए, थोड़ा सा व्यू जाएगा अच्छा, तो हो सकता है कुछ अच्छा हो, मैं यही सोच कर अभी तक बैठी हूँ। और यहाँ पे किचन में आ गई थी मैं, फटाफट लगा रही थी इन लोग का ब्रेकफास्ट, तो देख सकते हैं कितना फटाफट सौम्या को बुलाई कि दादू को देकर आओ खाना, सौम्या प्लेट लाई और अपने दादू को और अपने लिए, और सॉरी सौम्या एक साथ ही खाना खा लेते हैं। और मुझे तो कभी कभी टाइम मिलता है तो एक दो रोटी, एक आध रोटी खा लेती हूँ, और नहीं टाइम मिलता है तो मैं ऐसे भी चली जाती हूँ, ओनली चाय पीकर भी चली जाती हूँ। तो बस यही है मेरा मॉर्निंग लाइफ, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा।